अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पूरा नाम बताएं। अस्मा राजपूत। जी अस्मा। जी वकार। वजह शोहरत? वजह शोहरत, पहले तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं, आपकी वजह शोहरत क्या है? मेरी वजह शोहरत क्या है, एक्चुअली मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आगे बढ़े। जी पूछिए। यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, ये लाइन मारने वाली बात? हाँ सही लिखा हुआ है। हाँ यार, आप एक्टिंग करती हैं, आप बोलती ऐसे ही हैं? मैं बोलती ऐसे हूँ। अच्छा, क्या है लाइन, क्या मतलब है इसका? मतलब क्या, सिंपल सा मतलब है, लाइन मारी थी। आपको नहीं पता लाइन कैसे मारते हैं? हाँ जी, कैसे लाइन मारते हैं? लाइन मारना क्या होता है जी, बताइए। आपने कभी किसी पे लाइन नहीं मारी क्या? अरे भाई आगे बढ़े, मैं इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आई जी? कैसे लाइन मारते हैं? देखना, मुस्कुराना। किस पे लाइन मारी है भाई आपने, या आपने मारी है, क्या मुझे समझ नहीं आई है। नहीं, मैंने किसी पे लाइन नहीं मारी, सिंपल। हाँ जिसने मुझ पे मारी है लाइन वो। आप क्या सास बहू के ड्रामों का ऑडिशन देने आई, जो इतना सस्पेंस डालकर, इतनी लंबी बात करके आप वाकई ऐसे ही बोलती हैं? जैसे नॉर्मल बात कर रही हूं। हाँ, जैसे करो ये तो मैं ऐसे ही बात। लहराने का क्या मतलब है? ये लहराने का मतलब नहीं। अच्छा, क्या किसने लाइन मारी है, आगे बताएं आप। नहीं, अब मैं ये बात बताऊंगी तो आपको पता नहीं क्या लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं मैं क्या अपने उसके लिए, फेम के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। आप तो मेरी बात गलत ले जाएंगे ना। आपको पहले लग रहा है कि मैं बहू ड्रामे और ये वो, एक्चुअली मुझे तो ड्रामे ड्रामे पसंद ही नहीं। अच्छा सुने सुने, आपने जो यहाँ लिखा है उसका कोई प्रूफ भी होगा आपके पास? ऑफ कोर्स प्रूफ है। प्रूफ है, प्रूफ के बगैर मैं बात नहीं करती। अगर सबूत नहीं निकला तो? ऐसी बातें मैं करती नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका शो बहुत फिल्मी नहीं है। आप, आपको लग रहा है ये स्टे देना, इतना लंबा ही बात खेल, आप वाकई ऐसे बोलती हैं? नहीं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ये जो आपने लिखा हुआ है इसका सबूत है आपके पास? ऑफ कोर्स है जी। बताएं किसने लाइन मारी है आप पे? देखिए, अगर मैंने ये बता दिया कि लाइन किसने मारी है, शो बंद हो सकता है जी। बंद करवाइए शो। कौन है साहब ये? हमारे मियां जी नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है जी। जी मुझे बताइएगा कब, कहां, कैसे ये हुआ? ट्रेन में हुआ था। आराम आराम से बताएं, कहां जा रही थी? ट्रेन में हुआ था, बिजनेस क्लास में हुआ था, और हम लोग जा रहे थे, मतलब मैं जा रही थी, इस्लामाबाद जा रही थी। अच्छा, बिजनेस क्लास में आपको मिले नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, फिर क्या हुआ? फिर वो काफी देख के मुस्कुरा रहे थे, और जैसे कि नंबर देना लेना कुछ इस तरह से। नवाज शरीफ साहब ने आपको नंबर दिया? उनके साथ बैठी थी, उन्होंने बड़ा मेरे तरफ देखा, मुस्कुराया, और बहुत उन्होंने मतलब लाइक मुझे देखकर, और वो जैसे कि होता है स्टाइल। जब ये अभी की बात है या जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब की बात है, या बचपन की बात कर रहे हैं उनके? मेन ना बचपन की बात क्या मतलब आपका? अभी की बात कर रही हो जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, या उससे पहले की बात कर रही हो? जब ये इससे पहले थे। कब? कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात हो रही है? हाँ। उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी की? नहीं, बात नहीं, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। अभी दोबारा आए ना ये? कौन से ईयर में? ये जब पहले थे, कौन से ईयर? प्राइम मिनिस्टर थे जब ये हुआ है? हाँ, उससे जब पहले ये थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपको अपना नंबर दे रहा था? क्यों? झूठ बोले कौवा काटे। क्या वो आदमी? 5 साल पुरानी बात है, 10 साल पुरानी? आई थिंक 5-7 साल, इसी तरह की होगी बात। अच्छा, एक चीज क्लियर कर लेते, 5 साल पुरानी बात है, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे या नहीं थे? उस वक्त थे, थे। अब ये दोबारा आए हैं। अरे भाई तो अभी गए कब है? थे। तो वो तो पुरानी बात है ना। हाँ हाँ, पुरानी बात। तो यानी 97 की बात कर रही हूँ, 96 की बात कर रही हूँ, 5 साल नहीं हुए? हाँ हाँ, बस ऐसे ही है। तो कितने साल हुए? हिसाब किताब नहीं सही? नहीं 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 नहीं, ये अभी की बात थी भाई। मैं कंफ्यूज हो गई, आपको देख के कंफ्यूज हो गई हूँ। अभी की बात है? गुस्से में? अभी की बात है जी। हाँ अभी की बात। उन्होंने नंबर देने के लिए क्या बोला आपको? वो लफ्ज मुझे सुनने, मैं सुनना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर कैसे देता होगा लाइन? उन्होंने कहा क्या करती हूँ? ओके, उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चले ठीक है, आप वहाँ जा रही है, इस्लामाबाद जा रही है। मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा सही। उन्होंने कहा कि मेरा भी घर वहीं पर है। मैंने कहा जी हमारा भी घर वहीं पर है। इसी तरह से बातों बातों में उन्होंने कहा कि रात को आप शाम में क्या कर रही हैं? शाम में? मैंने कहा देखिए क्या होता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो खाना हमारी तरफ है। चल झूठी 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 झूठी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कहा शाम को क्या कर रही हैं आप? दिखा सकती हूँ, उनके साथ बैठी हैं तो पिक्चर ले ली। इसमें ये कैसे प्रूव होगा खाने में बुलाया?
अरे इतना जवाब दें, इतना सस्पेंस भाई, आगे बात करो, गई खाने पे या नहीं गई? अरे नहीं गई, नहीं। तो ये अच्छा, ये एक और भी नाम लिखा हुआ है आपने, परवेज मुशर्रफ। उन्होंने भी लाइन मारी है या मेरे शो में सब क्यों? लेकिन उनके लाइन मारने का अंदाज बहुत अच्छा था। मुशर्रफ साहब ने कैसे लाइन मारी आप पे? उनका स्टाइल बहुत अच्छा था, सिंपल। मैं बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे देखा और उसके बाद उन्होंने मुस्कुराया। उनकी तो पर्सनालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके बाल बाल स्टाइल, यू नो, ब्लैक कलर का उन्होंने कोट पहना था, टाई लगी हुई थी, बिजनेस क्लास थी। उन्होंने देखा, मैंने भी मुस्कुरा के देखा उनको, उन्होंने भी देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या करती हैं आप? मैंने कहा कुछ खास नहीं, आप बताएं आप क्या करते हैं। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनको, मैंने बोला, मैंने कहा मुझे बहुत। आपने यानी उन पे लाइन मारी ना? तो ये बात चेंज कर रहे ना, फॉर्म पे आपने लिखा है नवाज शरीफ साहब और मुशर्रफ साहब, ने मुझे लाइन मारी। पूछा उन्होंने मुस्कुरा के, पूछा आप क्या करती हैं? मैंने तो नहीं पूछा था आप क्या करते हैं, क्योंकि मैं तो उनको जानती थी। अच्छा ये मुझे बताएं कि दोनों की लाइन मारने में से किसकी लाइन क्यों अच्छी लगी आपको? परवेज मुशर्रफ की अच्छी लगी थी। क्यों? क्योंकि वो रोमांटिक से लग रहे थे और नवाज शरीफ साहब रोमांटिक, बहुत कॉन्फिडेंस वाले लग रहे थे। नवाज शरीफ ने आप समझा दें उनको, थोड़ी टिप्स दे दीजिए आइंदा, अगर आपकी तरह की आइंदा कभी आपने लाइन मारनी हो तो सिंपल से थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए कि ओके आप देख रहे हैं, जैसे आप पूछे क्या कर रही हो, शाम में कहाँ जा रही हो, कोई प्लान है आपका, फ्री है आप, थोड़ा सा ऐसे करके आप बात करें ना। आप डायरेक्टर, आप हिम्मत वाला काम कुछ कर सकती हैं? आपके सामने बैठी इससे हिम्मत वाला काम और क्या है? अरे स्टार प्लस, स्टार प्लस अगर एकता कपूर अभी देख रही है तो पाकिस्तान से प्लीज इनको ले जाए। क्या हो गया आपको? मैं आपके सामने बैठी इससे ज्यादा हिम्मत वाला काम और क्या है बताइए? हॉबीज क्या है आपकी, कुछ करती हैं जिंदगी में? योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। पुशअप्स करती हैं? पुशअप्स भी करती। कितने? ये इतना सस्पेंस क्यों है आपके पूरे जिस्म में? आपको ही फील हो रहा है? क्या इंटरटेनिंग काम कर सकती हैं? सब कुछ। क्या कुछ? जब बोले। क्या डेढ़ आपने देना? मैंने नहीं। कितने पुशअप्स लगाएंगे? 20 कर लेंगी आराम से, जबरदस्त 40 करेंगी। आ जाए, 2, 3 करो दोबारा, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, ये होते हैं पुशअप। अब आ गायब हो गई, ये कौन से पुशअप हैं? देखिए आपने मुझे पुशअप्स बोले, आपने मुझे ये नहीं कहा कि लो पुशअप्स, मैंने हाई पुशअप्स किए हैं। ये कौन से पुशअप होते हैं? आप जुनैद से पूछ लें। जुनैद? हाँ। क्या है चीज है ये? ये हमारी कोच है, ये हमें बताती हैं ये पुशअप्स कौन से होते हैं, ये हाई पुशअप्स मैंने लगाए हैं। ये मेरी गलती हो गई, मैंने तो आपने मुझे नहीं कहा कि लो गलती मान ली, गलती मान ली, बस 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 और नहीं बोलना। चले ठीक है, हो गया आपका ऑडिशन, आ जाए। थैंक यू सो मच। ऐसे उठा ले तो वो नहीं देना मुझे। आ जाए जल्दी आ जाए, और डॉक्टर वजाहत और माजिद को मेरे पास फौरन भेजें, उनसे मुझे अलग काम है, आपका काम नहीं है। ओके जाएं, खुदा हाफिज। हो गया जाएं। ओके थैंक यू सो मच। वैसे अरे जाएं। अरे जाएं भाई जाएं, इलाज कराएं अपना, जाएं भाई। एक मिनट, जब चला जाता है यहां से तो फिर वापस जी बोले। एक बात करना। क्या? अरे भाई क्या मुसीबत गले, क्या बोलो। अरे पहले आप चिल्लाने फिर बोल दूंगी। अरे कौन सी एक्ट्रेस हमारे जिम्मे आ गई है? नहीं एक्ट्रेस तो नहीं। जी बोले जी बोले।